जय हिंद प्यारे साथियों। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। हमारी ये जो ज्योग्राफी की यू विक्टर ज्योग्राफी जो किताब है ये 1 महीने में 900 किताबें बिक चुकी हैं, तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और विश्वास करने के लिए आप सभी को फिर से मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप ज्योग्राफी से जरब क्वालिफाई करना चाहते हो, आपने डिस्क्रिप्टिव तरीके से बहुत अच्छे से तैयारी कर लिया होगा, लेकिन उसके लिए जो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपने अभी तक यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपरों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार नहीं किया है तो समझो आपकी जो तैयारी है ना वो अभी अधूरी है। तब तक आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी जब तक कि आप प्रीवियस ईयर पेपरों को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर लोगे। देखो, प्रीवियस ईयर पेपरों को केवल क्वेश्चनों को पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि आजकल डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत कम रिपीट होते हैं। बड़ी मुश्किल से 2-3 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर पेपरों से डायरेक्टली रिपीट होते हैं, और यदि मैं इनडायरेक्टली की बात करूँ तो कम से कम 30-40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपरों से इनडायरेक्टली रिपीट होते हैं। यदि आपने यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपरों को बहुत गजब तरीके से तैयार कर लिया तो आप बहुत आसानी से 50 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो, यदि आपने प्रीवियस ईयर पेपरों को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया तो। अब प्रीवियस ईयर पेपरों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए एक बहुत ही बेस्ट बुक का होना बहुत जरूरी है। फिलहाल मार्केट में यूथ कॉम्पिटिशन की किताब है, AGP पब्लिकेशन की किताब है, ठीक है, दोनों किताबें आपको बहुत आसानी से दुकानों पर मिल जाएंगी, लेकिन इन दोनों किताबों में बहुत सारी मिस्टेक हैं। यदि मैं यूथ वाली किताब की बात करूं तो यूथ वाली जो किताब है उसमें लगभग ये समझो कि 20-30% ऐसे क्वेश्चन हैं जिनकी आपको व्याख्या देखने को मिलेगी। उन्होंने क्या कर रखा है, ज्यादातर क्वेश्चनों में तो व्याख्या को ऐड नहीं किया, कुछ क्वेश्चनों में व्याख्या को ऐड किया, तो बिल्कुल क्वेश्चन को एज इट इज तरीके से उन्होंने व्याख्या में लिख दिया। मतलब बड़ी मुश्किल से 10-20% ऐसे क्वेश्चन हैं जहां पर आपको व्याख्या में कुछ नया पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा उस किताब में जितने भी सन हैं सारी के सारी सन गलत हैं, बहुत सारे क्वेश्चनों की व्याख्या बहुत गलत तरीके से की गई है। अब देखो, अच्छा स्कोर तभी होगा जब आप बिल्कुल 100% ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ोगे। यदि आप गलत जानकारी पढ़ोगे तो मेहनत करने के बाद भी आप क्वेश्चन को गलत कर दोगे। उसके बाद मैं यदि AGP की बुक के बारे में बात करूं तो वो जो बुक है वो यूथ कंपटीशन वाली किताब की तुलना में बेस्ट है, ठीक है। यूथ कंपटीशन वाली किताब को यदि आप पढ़ रहे हो तो प्यारे साथियों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसको अभी पढ़ना बंद कर दो। यदि उस क्वेश्चन से उस बुक से आपको 5-6 क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे ना तो लगभग 2-3 क्वेश्चनों को तो आप पढ़ने के बाद भी गलत करके आ जाओगे, इतने गलत आंसर है उसमें। AGP पब्लिकेशन वाली जो किताब है वो यूथ वाली की तुलना में बेस्ट है, लेकिन यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं एक और भी बेस्ट किताब के बारे में जो इन दोनों किताबों से बहुत ज्यादा अच्छी है। अभी जो 18 जून को एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में उस अकेली बुक से 42 क्वेश्चन आए थे, 42 क्वेश्चन एक अकेली बुक से मिले थे, और ये बुक है यू विक्टर ज्योग्राफी नाम है इस किताब का। अब इस किताब की क्या क्या विशेषताएं मैं सारी सब कुछ आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, आप मैं कह सकता हूं कि फैन हो जाओगे आप इस किताब के। और यदि आप नेट जर्व की तैयारी कर रहे हो और आपके पास ये किताब नहीं है तो समझो आप बहुत अच्छे से बहुत डेडिकेशन के साथ तैयारी नहीं कर रहे हो। देखो, इस किताब का सबसे पहले जो कवर है उस पर लिखा हुआ है, इस किताब में जून 2010 से लेकर दिसंबर 2023 तक के सभी पेपरों को शामिल किया गया है। जून 2010 से लेकर दिसंबर 2023 तक के सभी पेपरों को शामिल किया गया है। अब इस किताब की सबसे खास बात यह है कि यह किताब जो चैप्टर वाइज तरीके से है, भाई आप चाहे यूथ की ले लो, चाहे AGP की ले लो, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर की कोई से दूसरे पब्लिकेशन की किताब ले लो, वो आपको पेपर वाइज मिलेंगे, लेकिन ये ऐसी किताब है जिसमें यूजीसी नेट के पुराने पेपरों को चैप्टर वाइज तरीके से शामिल किया गया है। मार्केट में एकमात्र किताब है ये ऐसी। इस किताब में टोटली कुल मिलाकर 190 चैप्टर है। अब इन्होंने किया क्या है, मतलब यूजीसी नेट के 2010 से लेकर दिसंबर 2023 तक के जितने भी पेपर थे इन सभी को इन्होंने क्या किया, 190 चैप्टरों में डिवाइड कर दिया। तो एक तो प्लस पॉइंट यह है कि यह किताब चैप्टर वाइज तरीके से है, ठीक है। अब इसमें जो चैप्टर बनाए गए वो छोटे छोटे चैप्टर हैं। छोटे छोटे चैप्टर का मतलब जैसे वैगनर का इन्होंने एक अलग से चैप्टर बना दिया, नवोन्मेष पुनर्युवन का एक अलग से चैप्टर बना दिया, प्रति चक्रवात का अलग से चैप्टर बना दिया, मेघ का अलग से चैप्टर बना दिया,
ठीक है, मैं ये छोटे छोटे चैप्टर बता रहा हूं, बाकी बड़े बड़े तो हैं जो हैं। रेड जेल का अलग से चैप्टर बना दिया, लोस का अलग से चैप्टर बना दिया, क्लोस्टोलर का अलग से चैप्टर बना दिया, तो इस किताब में 190 चैप्टर हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, इस किताब में प्रत्येक क्वेश्चन की बहुत डिटेल के साथ व्याख्या की गई है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिनका इतना गजब तरीके से, इतना डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन किया गया है कि वो क्वेश्चन वहीं पर कंप्लीट हो गया, मतलब वो जो टॉपिक है वो वहीं पर कंप्लीट हो गया, इतने डिटेल से, इतनी गजब तरीके से व्याख्या की गई है। दूसरा, जो क्वेश्चनों की व्याख्या वो 100% एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से की गई है। एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से व्याख्या का मतलब है कि जब आप व्याख्या को पढ़ोगे ना, तो एक भी लाइन आपको ऐसी नहीं लगेगी जिसको पढ़ने पर आपके दिमाग में ये विचार है कि यार मैं इसको छोड़ दूं, ये हमारे काम की नहीं। हर एक लाइन आपको काम की लगेगी, इतनी गजब तरीके से व्याख्या की गई है। ठीक है, इसके अलावा इसमें किताब में जितने भी आंकड़े वो 2023 के अनुसार बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़े, बिल्कुल नवीनतम आंकड़े हैं। तो आपको नवीनतम आंकड़ों को सर्च करने के लिए गूगल पर नहीं जाना पड़ेगा, इसमें सारे के सारे नवीनतम आंकड़े आ गए। इस किताब में जो क्वेश्चनों की व्याख्या की गई ना, वो तुलनात्मक तरीके से की गई है, मतलब जहां पर हम कंफ्यूज हो सकते हैं उनको एक साथ लिख दिया, तो जहां पर हम कंफ्यूज हो सकते हैं वो यदि एक साथ मिल जाएगा तो हम उनको एक साथ अच्छे से याद कर लेंगे, तो उससे क्या होंगे, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, जो व्याख्या की गई है बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है। NCERT और इग्नू यूनिवर्सिटी के, ओपन यूनिवर्सिटी के जो नोट्स हैं ना, उनके बेस पर इसमें प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या की गई है, जो नेट जर्फ के लिए यूनिट वाइज तरीके से जो ऑथेंटिक किताब है ना, उन ऑथेंटिक किताबों के बेस पर व्याख्या की गई है। तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, यदि आप इस प्रीवियस ईयर पेपर की बुक से प्रीवियस ईयर पेपरों को तैयार कर लेते हो ना, तो लगभग 40 से 50 के बीच में क्वेश्चन आप बहुत आसानी से ठीक कर दोगे एकमात्र इस किताब से। और आपको ये खुद को पता होगा, नहीं पता तो मैं फिर से बता देता हूं, यदि आप नेट या जेरप पास करना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो आप किसी भी किताब से पढ़ो। अब ये ज्यादा ठीक है कि आप एक उसको खराब किताब से पढ़ते हो या एक बहुत बेहतरीन किताब से पढ़ते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, फिलहाल में इस किताब के प्राइस में बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है, आप ये किताब खरीदो, इसको पढ़ो, गारंटी के साथ कह रहा हूं फैन हो जाओगे इस किताब के, इतना गजब तरीके का कंटेंट है इसमें, और 100% एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन केवल इस किताब से आपको देखने को मिलेंगे। मात्र 2 दिन में आपके घर पर यह किताब पहुंच जाएगी, चाहे आप कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी जिले से हो। तो अभी तुरंत ये मेरे व्हाट्सएप नंबर लिखे हुए हैं ऊपर 7891350470, इनके थ्रू आप इस बुक के बारे में कंप्लीट जानकारी लें, इस किताब का डेमो PDF देखें और तुरंत इस किताब को ऑर्डर करें, क्योंकि अब इस किताब की कुछ लिमिटेड कॉपियां बची हुई हैं, उसके बाद दोबारा से प्रिंट नहीं होगा, दोबारा से इस किताब का जो न्यू एडिशन है वो अगस्त वाले एग्जाम के बाद में ही आएगा। ठीक है, तो अब भी आप देर ना करें, बाद में कभी ऐसा हो कि आपको ये किताब ही ना मिल पाए, तो अभी तुरंत ऑर्डर करें और इस किताब को मंगवाएं और इस किताब से अपनी तैयारी की शुरुआत करें, ताकि बहुत बेहतरीन तरीके से आपके प्रीवियस ईयर पेपर तैयार हो और लगभग 40-50 क्वेश्चन इस किताब से मिले और आपका बहुत अच्छे मार्क्स के साथ जेरप क्वालिफाई हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।